दोस्तों मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपके पास लेकर आऊंगा एक अलहदा एक अनोखी कहानी जो जुड़ी हुई है काव्या से। कहानी की शुरुआत होती है काव्या के साथ। काव्या के पति को मरे हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और अब काव्या की बेटी ने अपने ही ऑफिस के सीनियर कलीग के साथ लव मैरिज कर ली। लेकिन इसके बाद कहानी कुछ और ही मोड़ लेती है। आगे क्या होता है आइए देखें। नमस्ते काव्या जी। नमस्ते। नमस्ते। प्यार तो छू? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ भी कहो, कुछ भी करो, बस दिल में प्यार होना चाहिए। चलो आओ, अंदर आओ। कैसे हैं काव्या जी आप? बहुत अच्छे। और तुम लोगों को देख लिया, और क्या चाहिए, बहुत खुश हूँ मैं। पापा के जाने के बाद से मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब हमें ही मम्मी का बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत सारा प्यार देना है। अरे हमने लव मैरिज किया है तो प्यार तो हमारे खून में होना जरा। हम इनको इतना प्यार करेंगे कि ये भूल जाएंगे सब कुछ। बस मुझे भी आप दोनों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। काव्या जी आप इतना भी प्यार मत दिखाइए कि हमें आदत हो जाए आपकी। अरे तो आदत डाल लो ना। हाँ मम्मी वैसे भी बहुत प्यार दिखाती है, अब हमें भी इनको ढेर सारा प्यार देना। क्यों नहीं। बिल्कुल। अच्छा बातें बातें तो बहुत हो गई है, अब कुछ खा लिया जाए। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ अच्छा बनाती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर। क्या हुआ काव्या जी? नहीं नहीं कुछ ऐसी, बस ध्यान नहीं दिया, जल गया हूँ हाथ में। काफी जल गया। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं जला, बस थोड़ा। आप रुकिए, मैंने ना आपका ख्याल रखने के लिए बोला है ना। हाँ लेकिन ज्यादा नहीं जलाना, हो जाता है। अभी सही हो जाएगा, रुको मैं ट्यूब लगा देता हूँ, एकदम सही हो जाएगा। मम्मी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं कैसे चल गया, कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा? हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया, गरम को पकड़ लिया मैंने। सो के टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। थैंक यू विवेक, तुमने मम्मी का इतना ध्यान रखा है। डॉल अरे पगली, अब क्या रुलाओगी क्या? अच्छा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो तुम खाना वाना बना दो कुछ। हाँ जाओ बैक रूम में खाना लेकर। हाँ जाओ ना, तुम भी खाने की टेंशन ले रहे। मम्मी सही हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। क्या हुआ? ये शर्ट का बटन टूट गया है। अच्छा कैसे? वो पता नहीं कैसे टूट गया, मुझे याद भी नहीं रहा कि वो बीमार है ना। और तो क्या हुआ, आप ऐसा करो शर्ट निकाल दो, मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे तो क्या हुआ, आप परेशान मत हो, तुम निकालो शर्ट, मैं लगा देती हूँ। अच्छा आपके हाथ देखिए, आटा लगा हुआ है, आप लगाएंगी इसको या फिर और गंदा करेंगी? एक्चुअली वो मैं आटा लगा रही थी ना, तो एक मिनट मैं हाथ धो के आती हूँ, तो शर्ट निकाल। चलिए ओ लाओ शर्ट दो, ये लीजिए और ये बटन। अच्छा मैं लगाती हूँ जी। काव्या जी जी ओह आपके बालों पे ये आटा लगा हुआ था। वो रह गया होगा, मैं छुड़ा लेती हूँ, मैं बटन लगाती हूँ। हाँ
गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. तुम्हें कैसे पता लगा? आई मीन आज मेरा बर्थडे. जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसकी सारी डिटेल्स रखते हैं हम. शुक्रिया शुक्रिया, तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया. मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्यारा से लंच कराऊं. हाँ हाँ बिल्कुल. क्या नैना? 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 क्या हुआ मैंग? वो तो क्लिनिक गई है. मुझे बोलो ना क्या हुआ. वो एक्चुअली मैं टॉवल कहीं भी फेंक देता हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहा. तो क्या हुआ? हॉल में खाना लगा दे, जाओ तुम खाना खा लो, मैं उठा देती हूँ. ओके. हाय. हाय. आज जल्दी? अरे वो थोड़ा सर दर्द था. ओ क्या हुआ? हेडेक है क्या? नहीं नहीं हेडेक वाला कुछ नहीं, थोड़ा ऑफिस में वर्कलोड था और कुछ नहीं ऐसा. आपके सर की मसाज कर दूं क्या? ठीक हो जाएगा? नहीं मैं टैबलेट ले लूँगा, हो जाएगा ठीक. मसाज से ठीक हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं आप बहने दीजिए. चुप रहो ना, करा के देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें, रिलैक्स फील होगा आपको. अच्छा नैना की तबीयत कैसी है? आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? नैना की तबीयत तो अच्छी है, और वैसे भी हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है. कैसा लग रहा है? अब बस कीजिए, हो गया मसाज. क्यों मसाज अच्छी नहीं कर रही क्या? नहीं वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छी मसाज हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी, और फिर आप जानते हैं ना नैना की तबीयत ठीक नहीं है, आप समझ सकती.
अभी तक तो देखने में सब कुछ सही ही लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ सही है? क्या काव्या का अपने दामाद विवेक की तरफ इस तरह से देखना, उसको स्माइल पास करना एक हेल्दी वे में था, या रिश्तों का एक नया मोड़ ही आने वाला है? कहानी को आगे बढ़ाकर आइए देखते हैं। मुझे लगता है आपकी बेटी को कोई स्लो पॉइजन दे रहा था, और अब वो स्लो पॉइजन पूरी उसकी बॉडी में फैल चुका है। मेरी बेटी को स्लो पॉइजन कौन दे सकता? ये आप क्या बोले डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मुझे लगता है आपको भी कोई स्लो पॉइजन दे रहा था, और अब वो स्लो पॉइजन आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। लेकिन स्लो पॉइजन कौन दे सकता है हमें? सॉरी मैम, अब कुछ नहीं हो सकता, चलता हूँ। विवेक, मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे? अले 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 अले, I'm sorry काव्या जी। Rest in peace काव्या जी। I'm sorry नैना, लेकिन तुम ऊपर जाके ना चैन की सांस ले लो। अच्छा चलो, तुम्हारी ना एक्साइटमेंट सारी खत्म ही कर देते हैं। वो जो जहर था ना, वो मैंने ही दिया। क्या विवेक, ऐसा तुमने, तुम अभी नहीं समझे? वो सब एक प्लान। प्लान को सुनना चाहोगे? मामा जी, मामा
मनोज तुम ले 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 मेरी प्यारी सौतेली बहना। मैंने कहा था ना कि मामा जब भी आएगा पूरा प्लान बना के आएगा। हो गया तुमने ऐसा? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? कैसा लगा? मामा जी वो प्रॉपर्टी वाला। अच्छा ये बताओ जब तुम ऊपर जाओगी तो ये प्रॉपर्टी तो लेके जाओगी नहीं ना, सभी रह जाएगा, यानी हमारा मनोज का। धीरे जाना, संभाल के जाना। क्यों किया मनोज तुमने ऐसा? क्यों? कहानी को देखने के बाद तो कुछ और ही लगता है और रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है कि कोई एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ कर सकता है और क्या एक इंसान दो औरतों की जिंदगी के साथ खेल सकता है, उनकी भावनाओं को कुचल सकता है। हमारे मन में हमेशा ऐसी जुन की भावनाएं आती रहती हैं, लेकिन हमें उन भावनाओं पर काबू रखना चाहिए वरना वो हमें किसी भी तरफ धकेल सकती हैं, खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहें, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोगों का सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।